महाराजगंज में आकाशवाणी पटना प्रसार भारती के माध्यम से लाली कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के साथ काव्य गोष्ठी होना क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जहां प्रभार भारती आकाशवाणी के तत्वाधान में G20 के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, यूथ लीडरशिप और एक पृथ्वी का परिवार के माध्यम से काव्य गोष्ठी का आयोजन होना गौरव की बात है। कार्यक्रम का श्रेय भाजपा नेत्री सुप्रिया कुमारी के माध्यम से होना एक बहुत बड़ी बात है। इस G20 के माध्यम से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ SDO संजय कुमार, बिहार महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह सारण जिला उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह के साथ भाजपा नेत्री सुप्रिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महिला सशक्तिकरण विकासशील देश की अहम योगदान है। महिला सशक्तिकरण तभी मजबूत होगा जब हम समाज व संस्कृति के बनाए हुए पचरिनों पर चले। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार को छोड़कर चले, और महिला सशक्तिकरण तभी सफल हो सकता है जब महिला को उचित व शिक्षित शिक्षा प्रदान की जाए, परिवार के सम्मान के साथ स्वावलंबी भी बने। काव्य गोष्ठी का आयोजन G20 देशों की अध्यक्षता भारत के करने के उपलक्ष्य में किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से G20 के विषय में विस्तार से बताया गया कि G20 देशों के विकास का मुख्य वजह महिला सशक्तिकरण व युवा नेतृत्व है। तो महिला सशक्तिकरण के टॉपिक है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं कुछ बात कहना चाहूंगी। महिला सशक्तिकरण अपने आप में दो शब्दों का समूह है, एक महिला और दूसरी सशक्तिकरण। महिला का मतलब ही है एक आधी आबादी, जो कि बहुत चर्चित शब्द है आज, और दूसरा है कि किसी भी दो पहिए का एक चक्का कह सकते हैं या किसी भी पहलू का एक हिस्सा। साथ में है स्वावलंबन और सशक्तिकरण, जिसका मतलब है आप आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी के सहारे ना खड़ा होना। तो मैं अगर महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बात करूं, तो इसका अर्थ सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि समाज में सामाजिक स्वतंत्रता और हर एक क्षेत्र में उस हिस्सेदारी से भाग लेना, उस सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिला सशक्तिकरण, एक गृहिणी भी महिला सशक्तिकरण होती है, क्योंकि इस समाज की प्रगति और देश की प्रगति में उनका बहुत ही बड़ा भागीदारी होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उनके महत्व को, उनके जो आर्थिक मूल्य है उसको ना आंकते हुए हम उनको महत्व नहीं देते हैं। इसके साथ ही मैं नमन करती हूँ उन महिलाओं का जो आज, कल की बात करें तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में हमारे इसरो की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रितु खडेवाल जी के साथ लगभग 14 महिलाएं का बहुत ही बड़ी भूमिका रही है कि हमारा इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 हमारे चंद्र पे सफल लैंडिंग किया है। तो मैं उन महिलाओं को भी नमन करती हूँ कि वो सशक्तिकरण की परिभाषा देती है। हमारे सामने बैठी प्रियंका दीदी, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका है, अगर उन सीखना है महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को, तो हम उनसे देख करके सीख सकते हैं कि एक कैसे रीति रिवाज और संस्कृति और सभ्यता में रहते हुए हम महिला सशक्तिकरण का परिचय देते हैं समाज में। साथ ही मैं उन महिलाओं को भी नमन करती हूँ जो सशक्तिकरण की परिभाषा व्यापारियों के साथ व्यापार में खड़ा होकर के भी दे रही है, क्योंकि आज देश में MSME का माध्यम से कई महिलाएं